ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 7 श्लोक 44 तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः निशम्य कर्म तच्छम्भो देवदेवस्य मीढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च सशंसिरे प्रस्कन्नं पिबतः पाणे यत्किञ्चिज्जगृहुस्मतात् वृश्चिका हि विशौषध्यो दन्दशूकाश्च ये परे। श्रीशुक उवाच पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्ते मर्दानवः ममन्थुस्तर्षा सिन्धुम् हविर्धानी ततो भवत्। तप्त होते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं। लोकतापेना, लोगों के दुख से, साधवः, साधु पुरुष, प्रायशः, प्राय जनः, जन, परमाराधना, सर्वोच्च आराधना, तत् वह ही निसंदेह पुरुषस्य पुरुष का, अखिल आत्मनः जो सबके आत्मा है उनका अनुवाद। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष गण सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के आराधना की यह सर्वोच्च विधि मानी गई। तात्पर्य, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं वे किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवद गीता 18 अध्याय के 68-69 श्लोक में कहा गया है, य इदम् परमम् गुह्यम् मद्भक्ते स्वविधास्यति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः। जो व्यक्ति मेरे भक्त को भगवद गीता के संदेश का उपदेश देता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत के
कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी जिस पर प्रसन्न हो गए तो वह भगवान से भले ही कुछ न मांगे, प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसे उसका इच्छित फल देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, तेषाम नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशो जना। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि सारे बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को हटाने के लिए अवतरित होते हैं। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप लोगों को जो लाभ मिलता है उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा की तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान शिव के द्वारा विश्वव्यापी विष पिया गया, तो इस विषय पर श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। भगवान शिव का यह कार्य कैसा है? वे कहते हैं यह बिल्कुल युक्त है, उनके स्वरूप के अनुसार है, क्योंकि तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। साधव जना, साधु जन प्रायः दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, उनके दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं। साधु किसे कहते हैं? शास्त्र में बताया गया है साधु के दो अर्थ होते हैं। साधु शब्द साधने के अर्थ में है, जो साधना करे भगवत प्राप्ति के लिए उसको साधु कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमने अपना काम साध लिया, जो साधे किसी कार्य को उसको साधु कहते हैं या साधक कहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक इसका अर्थ होता है जो दूसरे का कार्य साधे वो है साधु, दूसरे का काम बना दे, दूसरे का कार्य पूरा कर दे और अपना भी कार्य करे, भजन करे, साधना करे, उसको साधु कहते। यह बात लोक में बहुत प्रसिद्ध है। आज के युग में भी यदि कोई व्यक्ति घर का काम धंधा छोड़ देता है और कुछ आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है, भगवान के तरफ मुख करता है, तो उसको लोग साधु कहना चालू करते हैं, ये साधु हो गया। साधु हो गया मतलब साधना चालू किया।
तो साधु जो होते हैं, जो अपना परमार्थ साधते हैं और दूसरों का भी परमार्थ साधने में मदद करते हैं, उनको साधु कहा गया। और साधु शब्द का दूसरा अर्थ होता है सदाचार परायण, जो परंपरा से आए हुए सज्जनों के आचरण को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनको साधु कहते हैं। गलत काम वे नहीं करते, साधु। तो जो इस प्रकार के शुद्ध आचरण वाले, भगवान के भजन में रहने वाले तथा तो दूसरे का हित करने वाले जन होते हैं, वे प्रायः दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और यही है भगवान की सबसे बड़ी आराधना। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति इस बात को बोल रहा है, वहां पर जहां महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं और समस्त ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके बीच में यह कह देना कि दूसरे के दुख से दुखी होना, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, यह बहुत क्रांतिकारी विचार है। वास्तव में जो व्यक्ति पहले ये कह चुका है कि भगवान का भजन करना, श्रवणम कीर्तनम, यही सबसे बड़ा धर्म है, और यहां पर वो व्यक्ति कह रहा है कि दूसरे के दुख से दुखी होना, यही सबसे बड़ा धर्म, तो दुनिया में इतने जीव दुखी हैं, उनके साथ रोया जाए, यही सबसे बड़ी पूजा भगवान की है। समझने में ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग दुखी हैं तो हम भी दुखी रहें। दुखी रहने का मतलब यह है कि उनके दुख को दूर करने का प्रयास करें शक्ति भर, यह है भगवान की पूजा। इसमें संदेह नहीं है, वाक्य तो बिल्कुल क्लियर है, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं साधुजन, और यही भगवान कृष्ण की, अखिलात्मा की, परम पुरुष की, वासुदेव की यही आराधना है, भगवान की यही आराधना। श्लोक ये वाक्य समझने में तो कोई कष्ट नहीं है, स्पष्ट अर्थ है, लेकिन अब हमें ये समझना चाहिए कि लोकताप क्या है। लोक का अर्थ लोग, हम लोग हिंदी में इसको लोग कहते हैं, लेकिन बंगला में अभी भी लोक कहते हैं, कत लोक आशीषण, कितने लोग आए हैं, लोक वही वास्तव में शुद्ध है। लोग ग कहते हैं, ये शुद्ध नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हम तो हिंदी भाषी हैं, इसीलिए हम तो वही कहेंगे लोग, लेकिन लोक कहना चाहिए। तो लोगों का दुख क्या है इस संसार में, दुख के तो अनेक प्रकार हैं, गिने नहीं जा सकते हैं। अगर केवल दुखों का नाम, केवल लिस्ट बनाया जाए तो बहुत भारी भारी ग्रंथ हो जाएगा, कितने प्रकार का दुख है मनुष्य। लेकिन समस्त दुख के पीछे कारण क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, जीव क्यों दुखी है, सारे शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करने के कारण जीव दुखी है, यही कहते हैं। जब कोई जीव श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को जान जाता है और उनको समर्पण करता है, तो उसी समय भगवान उसके सारे दुख को समाप्त कर देते हैं। भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा गया है कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिनको अर्पित किया गया प्रणाम समस्त दुखों से मुक्त कर देता है, ऐसे परम पुरुष हरि को, श्री कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा। सुत गोस्वामी का यह अंतिम वाक्य भागवत में। तो भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, प्रणामो दुख समन। और गीता में भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा।
पापों के कारण दुख होता है। और भगवान कहते हैं कि मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा, इसका अर्थ कि कोई दुख नहीं रहेगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा। भगवान की यह इच्छा है, अभिलाषा है कि जीवों का दुख दूर किया जाए, जीवों का दुख दूर हो, कोई दुखी ना रहे। कोई पिता कैसे चाहेगा कि हमारे बेटा कुछ दुखी रहे और कुछ सुखी रहे। भगवान ऐसे परम पिता हैं, स्नेहमय, जो चाहते हैं कि सभी जीव सुखी रहे, और उनको सुखी करने का वे उपाय बताते हैं कि मेरा भजन करो, मेरी शरण लो, तुम सब तरह से सुखी हो जाओ, तुम्हारे सारा पाप दूर कर दूंगा। इन सब उद्गारों से यह स्पष्ट हुआ कि भगवान का भजन न करना यही सारे दुख का कारण है। लोक ताप, लोगों का यह महान कष्ट, जन्म मरण, भूख प्यास, मान अपमान, सर्दी गर्मी, बुढ़ापा आदि का क्लेश, इन सब के पीछे कारण है भगवत विस्मृति। अतः सबसे बड़ा कल्याण का कार्य इस संसार में अगर कोई कर सकता है तो वह है भगवान के स्मरण की व्यवस्था करना इस संसार में, जिससे जीव भगवान कृष्ण को जाने और उनको समर्पण करे। भगवान को बताने के लिए कोई बहुत कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अपने विषय में प्रवचन किया है, और श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों और गुणों का बहुत विशद वर्णन हुआ है। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का प्रचार करना इस संसार में यह जीवों को सुखी बनाने का सबसे बड़ा उपाय है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में यही कहते हैं, यही सत्य है वास्तव में। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, विशेष करके जो भक्त हैं, कि वे दूसरे के दुख पर विचार हमेशा करते रहें, और इस कारण से प्रचार के लिए जी जान से पड़ जाए। जैसे कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो कुछ कल्याणकारी समितियां होती हैं, वे दौड़ती हैं वहां रिलीफ देने के लिए। जैसे यहां पर गत वर्ष तूफान आया था तो मैंने सुना था, कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ता था कि यह संस्था या वह संस्था, अनेक प्रकार की संस्थाएं आकर के लोगों को भोजन बांट रही थी और दवाइयां दे रही थी, कपड़े और भी कई तरह से। तो लोग ये फील कर रहे थे कि बहुत आवश्यक है, वास्तव में वो इमरजेंसी का समय था। उस समय जितना दिया जाए, जल्दी दिया जाए, वो बहुत आवश्यक। जो वो स्थिति होती है, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, भूकंप में धराशायी हो गए घर, कितने लोग मर गए, तो वहां भी कल्याणकारी समितियां, संस्थाएं दौड़ती हैं कार्य करने की। तो जैसे उसको हम सीरियस मानते हैं, कहीं भूकंप हो गया तो वहां सहायता करनी है, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया तो वहां करना है, वास्तव में सारा संसार जल रहा है, उतना ही अर्जेंट सब समय करना है। तो सर्वत्र तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोई कहे कि आखिर सब जगह खाने को है, कपड़ा पहनने को है, लोग स्वस्थ हैं, तो इतना अर्जेंट क्या मानना है। अर्जेंट उसको इसलिए मानना है कि सब जन्म मरण के भयावह दवाग्नि में झुलस रहे। तो मान लीजिए कहीं आग लगी हो और आग बुझाने के लिए जितनी त्वरा चाहिए, जितनी तत्परता चाहिए, उतनी तत्परता भक्तों को रखनी पड़ेगी प्रचार के लिए।
अपने विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, वो सब भगवान जिम्मेवार हैं उसके। योगक्षेमम वहाम्यहम, रात दिन यही सोचना चाहिए कि कैसे प्रचार होगा, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे लोगों का दुख मिटेगा, अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव, भगवान शिव के पास देवता आए हाय हाय करते हुए कि हम मर रहे हैं, इस विष से रक्षा कीजिए, विष से रक्षा कीजिए, तो भगवान विष को पी गए। लेकिन जब देवता अमृत पी रहे थे तो उस समय देवताओं को यह याद नहीं आए कि शिव जी हमारी रक्षा किए हैं, उनको भी इनवाइट करके एक आध गिलास दे दिया जाए, वो भी पी जाए। विष पीना था तो वो पी लिए, और अमृत पीते समय याद भी देवताओं को नहीं आई कि शंभु जी हमारा इतना उपकार किए हैं, उनको भी दो। और भगवान शिव को इसकी जरूरत क्या थी, वो तो अपने आप अमर है, तो मृत्युंजय है, मृत्यु पर जय प्राप्त किया है, उनकी कृपा से दूसरा मृत्यु को पार कर जाएगा, उनको क्या मरने का डर है कि अमृत पिएंगे। लेकिन कोर्टेसी एक्ट, शिष्टाचार की दृष्टि से भी देवताओं को बुलाना चाहिए था कि बुलाए या नहीं भी खाएंगे तो कम से कम ये अवसर है बुलाए, लेकिन ये लोग बुलाए भी नहीं, भगवान गाए भी नहीं, भगवान शंकर नहीं गए, मुझे ब्रह्मा जी भी नहीं गए। तो भगवान शिव दूसरे के हित के लिए कितना तत्पर हैं, लेकिन अपने खाने पीने के फेर में नहीं। बहुत अच्छा प्रसाद बनाया गया था, अमृत निकाला गया था, लेकिन वे नहीं गए। विष पी लिए, अमृत पीने नहीं गए, इच्छा ही नहीं हुई। तो इस तरह भक्तों को होना चाहिए, हमको कहां भोजन मिलेगा, कैसे रहेंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी, कैसे कटेगी, तो इसको तो सपने में नहीं सोचना चाहिए, वो तो सब भगवान देखने वाले हैं। बाकी दूसरे का कैसे दुख दूर होगा, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं, कितना कीर्तन कर लूं, कितना जप करूं, लोगों को बताऊं, कथा कहूं, बस इसी की चिंता रहनी चाहिए, और सब तो जगन्नाथ जी संभाल लेते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है, कोई भावुकता की बात मैं नहीं कह रहा। तो जितने भी महान लोग होते हैं वे अपनी चिंता नहीं करते, और जो लोग नीच चेतना के होते हैं वही सोचते रहते हैं, वहां जाऊंगा तो कहां रहूंगा, रूम कैसा मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा, ठीक से सोने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां जा रहा हूं कुछ दक्षिणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हो गया। इस तरह की चिंता वैष्णव नहीं करते, क्योंकि वो विश्वंभर के भक्त हैं, जगन्नाथ जी के भक्त, इतनी तुच्छ विचारधारा पर वो रहते नहीं, उनका हृदय बहुत महान होता है, केवल दूसरे के दुख पर दृष्टि रहती है, कैसे दुख दूर करना है, कैसे दुख दूर करना है। तो संस्कृत के एक श्लोक में चंद्रमा के विषय में कहा गया है कि देखो चंद्रमा दूसरों को प्रकाश देता रहता है, लेकिन चंद्रमा में स्वयं ही कलंक है, दाग है, कालिमा है। तो जो जगत का प्रकाश, जगत का अंधकार नष्ट कर देता है जो चंद्रमा, वो चंद्रमा अपना दाग क्यों नहीं धो देता है, वो कालापन क्यों नहीं दूर करता है। तो कवि कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको अपना कार्य कुछ करने का स्मरण ही नहीं आता है, चंद्रमा को जगत में प्रकाश देने के अलावा उनको चिंता ही नहीं है कि हमारे देह में कोई कालिख लगी है, इसको धो देना चाहिए, करना चाहिए, उनकी दृष्टि ही नहीं। इस प्रकार से विचार। और भी कहते हैं, क्या भगवान शेष नाग का सिर नहीं दुखता होगा ब्रह्मांड उठा कर, लेकिन करें क्या, दूसरे के हित के लिए दुख सहते रहते,
अरे भगवान शेष नाग के 1000 फण है और एक फण पर यह पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के दाना की तरह दिखता है। जब ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि ब्रह्मांड कहाँ है, तो पता भी नहीं चलेगा ऐसे। तो उनको कष्ट क्या होगा? कष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन कभी कहता है कि अरे भाई क्यों नहीं कष्ट होगा, इतना भारी वजन उठाए हैं, लेकिन जब उठा लिए हैं तो उठा लिए, उसकी चिंता नहीं करते हैं। और कोई भी देवता, कोई भी महापुरुष जाकर नहीं कहता है कि हे शेष नाग जी थोड़ा हमको दे दीजिए, आप थोड़ा खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, हम तब तक उठाए, चाहे उठाए तो उठाए ही, उन्हें खाने की चिंता नहीं है। जब ब्रह्मांड उठाए हैं सिर पर तो उठाए, सूर्य भगवान तप्त हैं तो तप्त हैं, जल रहे हैं रात दिन, किसके लिए? दूसरे के लिए, अपने लिए सूर्य नहीं जल रहे हैं, जल रहे हैं, दहक रहे हैं दूसरे के हित के लिए, प्रकाश बिखेरना है, ताप का प्रसार करना है तो कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, साक्षी हैं, दृष्टांत के रूप में हैं कि भगवान के भक्तों को कैसे रहना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु इन्हीं बातों के लिए कहते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरो रिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीयो सदा हरि। अपने को एक तृण से भी अधिक हीन समझ करके कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, हमेशा भगवान की ही कीर्ति को गाना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। तृणादपि सुनीचे न, सब है साधन के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। कैसे कीर्तन करें तो तृण से भी छोटा हो जाए। जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं तो कितने तृण पड़ जाते हैं पैर के नीचे, क्या आज तक कोई भी तृण खड़ा होकर के प्रतिवाद किया? क्यों हम पर तुम जूता रख रहे हो? यहां तक थूक भी देते हैं लेकिन कोई तृण नहीं बोलता है। ये समझना चाहिए कि जब कोई हम पर थूक दे और चप्पल भी रख दे और क्रोध बिल्कुल न हो, तब समझना चाहिए कि अब कुछ कुछ वैष्णव हम हो गए। यह सब प्रैक्टिकल सीखना चाहिए। भगवान ने भागवत में कहा है कि कुत्ते को, गधे को, चंडाल को देख करके भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मैं सबके भीतर हूं। और दूसरे लोग हंसे, अपने घर के लोग स्वजन तो हंसने दे, कोई बात नहीं। भगवान ये भी कहते हैं कि लोग हंसे तो हंसने दो, लेकिन तुम मुझे देख करके और प्रणाम किया करो, समझे सभी। इस प्रकार दूसरे के दुख को दूर करने के चक्कर में रहना चाहिए। तृण कभी प्रतिवाद नहीं करता है, नम्र रहता है। और वृक्ष सहनशीलता में उदाहरण है। वैष्णवों का गुरु बनाना हुआ भगवान को, तो भगवान के लिए कोई देवता उदाहरण नहीं मिला। यही घास और पेड़ पौधा को कह रहे हैं कि वैष्णव के यही गुरु हैं, इनसे सीख करके भजन करना चाहिए। वृक्ष कितना सहता है, अपने आप रौद्र सहता रहता है, घाम सहता रहता है, और दूसरे लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। कितने लोग वृक्षों की छाया में आते हैं, विश्राम करते हैं, और कोई ये सोचता है कि जरा वृक्ष के ऊपर भी पंडाल तान देना चाहिए, ये भी बेचारा शीतलता ले, कभी नहीं। और उसका फल खाते हैं, उसके पत्ते पर भोजन करते हैं, उसके लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनता है सब। ये पंडाल बना है वृक्षों की कृपा से, कोई आदमी थोड़े खड़ा है ऐसे, वृक्ष खड़े हैं। देखिए चारों तरफ उनका देह काम में आ रहा है, तो वृक्ष खड़ा रहता है, फल देता है, छाया देता है, पत्ता देता है, लकड़ी, कोयला, गोंद। और वृक्ष जब तक रहता है सूख जाता है खड़े खड़े, लेकिन किसी से पानी मांगने नहीं जाता है कि मैं मर रहा हूं, मुझको पानी दो।
सुखा या मरे तबु पानी ना मांगोए। सुख जाता है खड़े खड़े, मांगने नहीं जाता है पानी दो, जबकि वो दानी है, दूसरों को देता है लेकिन अपने लिए नहीं मांगते। और कोई काटता है तो प्रतिकार भी नहीं करता है। हमने तो यहां तक देखा है किसी विशाल वृक्ष को काटने के लिए कुछ नकड़हारा जाते हैं, काटते हैं, पूरा नहीं काट पाते हैं तो दोपहर को उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं, सोते हैं। कुछ काट चुके हैं लेकिन उसी की छाया में विश्राम करते हैं और उसको काटते हैं। फिर भी वृक्ष चाहे तो उनके ऊपर गिर करके उनको मार सकता है लेकिन वो कुछ नहीं करते। वृक्ष तो एक विशेष बात विचारणीय है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि कैसे रहकर भजन करना चाहिए, तो उन्होंने किसी देवता का या मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया कि इस प्रकार से रह करके भजन करो। उन्होंने कहा घास के समान और वृक्ष के समान बन करके भजन करो। तो ये गुरु है हम लोगों के, खड़े हैं चारों तरफ, इनसे हम सीख सकते हैं वास्तव में। तो मैं इस संदर्भ में इसलिए ये बात कह रहा हूं कि वैष्णव को, भगवान के भक्त को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत की बात है कि भगवान सब करते हैं, भगवान पोषण करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः प्रविपास्यते, भगवान कहते हैं जो अनन्य केवल मेरे चिंतन में रहते हैं, भजन में रहते हैं, तो उनको जो आवश्यकता है मैं उसकी पूर्ति करता हूं और जो उनके पास वस्तु रहती है उसकी रक्षा करता हूं। योग का अर्थ जुटाता हूं, जो नहीं है वो देता हूं, और क्षेम का अर्थ जो है उसकी रक्षा करता हूं। परंतु संसार में लोग अपना योग और अपना क्षेम स्वयं करना चाहते हैं, संभाल करके रखते, ईश्वर पर नहीं छोड़ते। भगवान को प्रसन्न करना है तो अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल दूसरे के हित में लगे रहना चाहिए। भगवान शिव के उदाहरण से यहां यह बात सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। उनके कहने का आशय है कि शिव जी ने वास्तव में भगवान की आराधना की है, यही सबसे बड़ी आराधना है। और ऐसे भगवान शिव का चरित्र, व्यवहार, वेशभूषा, खान पान देखिए तो बिल्कुल साधारण। हमने कल चर्चा किया था कि रहने के लिए आज तक वे घर नहीं बनाए, और खाने में भी घास पात ऐसे खा लेते, फल फूल खा लेते। उनके यहां बहुत कुकिंग की व्यवस्था नहीं है शिव जी के यहां। और जब रक्षा करनी हुई तो विष पी लिए। आजकल कुछ शिव जी के भक्त हैं जो ये कहते हैं कि शिव जी गांजा पीते हैं, वास्तव में ये बहुत गलत बात। भगवान शिव कभी गांजा नहीं पीते हैं। एक बार विष पिए थे, एक बार विष पीने के कारण ही ये लोग प्रचार कर दिए हैं कि शिव जी ऐसे ही नशीली चीजों को खाया करते हैं, पीते हैं, भांग, गांजा, धतूर, ये। और ये कहते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है इसलिए हम भी ले रहे हैं भगवान शिव कभी नहीं कोई नशीली चीज खाते हैं पीते हैं, केवल एक बार विष पिए थे, वो भी विश्व के हित के लिए। और अब कोई गांजा पीता है तो वो किसके हित के लिए पीता है बताइए? गांजा के कारण कौन संकट हो आ गया है कि वो सब जला करके स्वयं भस्म करना चाहता है? केवल बहाना है, गंजेड़ियों ने ये निकाल लिया है रास्ता। वो सोचते हैं कि हम अपने दल में शिव जी को रखेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, इसलिए वे ऐसा करते हैं।
मांस खाने वाले काली जी को अपने पक्ष में रखते हैं, भद्रकाली को, कि ये जब रहेंगे तब हमारा दल मजबूत रहे। काहे को भद्रकाली जी बकरा खाने जाए और काहे को भगवान शिव गांजा पीने जाए, लेकिन ये ऐसे लोग बदनाम करते हैं। एक बार की सत्य घटना है, श्री राम कृष्ण परमहंस के पास एक ब्राह्मण जाते थे कलकत्ता से, उनका नाम भी छपा हुआ है मुझे याद नहीं है। तो ये भद्रकाली जी के बहुत भक्त थे, काली माता के बहुत भक्त थे, और बीच बीच में बकरा चढ़ाया करते थे काली जी को। तो बूढ़े हो गए, उसके बाद गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उन्होंने कहा कि कैसा चल रहा है भजन, क्या हो रहा है। तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि सुना है कि अब आपने काली जी को बकरा देना बंद कर दिया है। यद्यपि स्वयं रामकृष्ण परमहंस इसके बहुत बड़े विरोधी थे कि माता जी को बकरा दिया जाए और मांस दिया जाए, वो नहीं चाहते। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उस ब्राह्मण से पूछे कि सुना है कि अब माता काली जी को आप बकरा नहीं अर्पित करते हैं। तो कहता हाँ, अब सब दांत टूट गए हैं, इसलिए अब काली जी को बकरा। तो तुम्हारे दांत टूट गए ना कि काली जी के भी दांत टूट गए, तो ये कहो कि अपने लिए सब चढ़ा रहे थे। उन्होंने सीधा यही उत्तर दिया कि अब दांत नहीं रहे तो अब क्या भोग लगाया जाए। तब इनके दांत से काली जी खाती थी, काली जी के पास दांत नहीं है। ऐसे ऐसे बोलते। ये सब बहाना है। भगवान गीता में कहते हैं मुझे अर्पण करो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बिल्कुल सात्विक आहार और सर्व सुलभ। कहीं भी किसी के पास भी जल है, पत्ता है, फल फूल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो यहां तक कहा है कि कोई ये कहे कि फल महंगा है, फल नहीं मिल रहा है, तो भगवान ने अंत में इसीलिए कह दिया तोयम, पानी दो, एक गिलास पानी तो अर्पण करो मुझे। पत्रम पुष्पम फलम तीन नहीं दे सकते तो तोयम जलम, जल। दिन में कितनी बार हम लोग गिलास से पानी पीते हैं, क्या कभी सोचे हैं कि भगवान को दे करके पिए, उन्होंने मांगा है तो कम से कम उनकी आज्ञा समझ करके भी तो उनको देना चाहिए, भले उनको जरूरत हो या ना। इस प्रकार से स्वचिंता मुक्त होना चाहिए और पर चिंता दूसरे के कष्ट के निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। और जैसा मैं प्रारंभ में कहा कि किसी भी जीव के कष्ट का निवारण कृष्ण भावनामृत के दान द्वारा ही संभव है, यही मूल समस्या, मूल निदान, मूल उपचार। तो भगवान के नाम का प्रसार करना, भगवान के ग्रंथ का प्रसार करना, भगवान के गुणों की व्याख्या करना, भगवान का प्रसाद बांटना, भगवान का मंदिर खोलना, इस तरह से अधिक लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ना, यही सबसे कल्याणकारी कार्य। और जो भक्त जिस काम में दक्ष है वही करे। कोई प्रवचन करने में कुशल हो सकता है, कोई पुस्तक वितरण में कुशल हो सकता है, कोई मंदिर की व्यवस्था में कुशल हो सकता है, कोई नाम संकीर्तन में कुशल हो सकता है, कोई पेंटिंग में, कोई प्रिंटिंग में। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए इतना बड़ा सुसंगठित समाज दिया जिसे संपूर्ण मानव जाति का उपकार किया जा सके। भगवान शिव इसके सबसे बड़े दृष्टांत। सुखदेव गोस्वामी का यह स्वतंत्र विचार यहां आया, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी ये मंतव्य दे रहे थे वहां पर नारद जी बैठे थे,
यहां तक कि इनके पिताजी वेदव्यास देव बैठे थे, अत्रि, वशिष्ठ, चवन, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, सब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि भगवान परशुराम बैठे थे वहां शिष्यों के साथ, और सबके बीच में कह रहे हैं कि यही आराधना है भगवान की सबसे बड़ी, दूसरे के दुख का निवारण किया जाए। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते, और उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि इस भगवद गीता के सिद्धांतों का जो प्रचार करते हैं उनसे बढ़ करके मेरा प्रिय न कोई हुआ है न होगा, न है। अब इसे अधिक क्या कहा जा सकता है। और कृष्ण की प्रसन्नता ही जीव का परम अर्थ है, लक्ष्य। भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक। एक बार कुछ देर करके भी इस तथ्य पर विचार करके तब आगे बढ़ने की इच्छा है। यहां श्रील प्रभुपाद जी परपर्ट भी लिखे हैं तो अन्य सभी श्लोकों से ज्यादा लिखे, भावार्थ लिखे। तो वहां पर भगवान विष्णु थे और माता सती, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवगण, ये सब भगवान शिव की भूरी भूरी प्रशंसा किए। निशम्य कर्म तत्शंभो देव देवस्य मीढ़ुस प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठस्य संशिर। प्रजा से तात्पर्य है संपूर्ण विश्व में जितनी भी प्रजा फैली हुई थी। निशम्य का अर्थ देखकर या सुनकर, दोनों होता है। तो निशम्य का यह अर्थ है सुनकर। जब भगवान शिव के इस विस्पान लीला को सुने संसार के लोग स्वर्ग में इधर उधर, तो सबने भोरी भोरी प्रशंसा किया, वाह धन्य है जीवन उनका, धन्य स्थिति। तो यहां तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान भी प्रशंसा करने लगे। कार्य ऐसा करना चाहिए कि व्यक्ति की प्रशंसा इस संसार में हो। यद्यपि प्रशंसा की कामना नहीं होनी चाहिए, परंतु कम से कम बदनाम होने वाला काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भले बदनामी हो, कुछ भी हो। शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की निंदा जितना वर्ष इस पृथ्वी पर होती है उतना वर्ष वो नरक में रहता है। तो जिसकी निंदा इस पृथ्वी पर हो रही होगी तो समझिए कि वो नरक में गया है निश्चित, और जिसकी प्रशंसा इस पृथ्वी पर चलती रहती है तो वो स्वर्ग में रहता है। प्रशंसा के कारण स्वर्ग में नहीं रहता है, अपने शुभ कर्म के कारण स्वर्ग में है। यहां उसकी कीर्ति गाई जाती, कीर्ति गाई जाती। भगवान शिव की कीर्ति सर्वत्र संसार में फैल गई। इसलिए सिद्धांत है कि गलत काम से, पाप काम से मुक्त होना चाहिए, नहीं करना चाहिए भूल कर भी, जहां तक हो सके अच्छा कार्य करना चाहिए। एक हिंदी के पद में कवि ने कहा है कि यदि अच्छा करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम बुरा मत करो। यदि दूसरे को देने की शक्ति नहीं है तो कम से कम दूसरे का चुराओ मत। यह बहुत सुंदर शिक्षा है। दूसरे को देने की शक्ति नहीं है तो कम से कम चुरावे न आदमी, तो वो भी एक धर्मात्मा ही है। प्रशंसा करने लगे सब जगह लोग, आज तक प्रशंसा हो रही है। उस गंगा जी के तट पर भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यही भगवान की आराधना है जो शिव जी ने किया, तब यह कितनी बड़ी प्रशंसा हुई भगवान शिव की। तो सब समय प्रशंसा चलती रहेगी। इस प्रकार समुद्र मंथन चल रहा था। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मर्दानवः ममंथु स्तर्षा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत्। वृषांकेण गरे पीते सति भगवान शिव ने विष पी लिया, अब संसार में कहीं भी विष बचा नहीं था, क्योंकि भगवान शिव अपनी अद्भुत शक्ति से संपूर्ण विश्व में फैले हुए विष को अपने हथेली पर एकत्रित कर लिए थे, कहीं विष नहीं रह गया, चारों तरफ संवाद फैल गया। तब यह जान करके अमर दानवा सब प्रसन्न हो गए और फिर लौटे उस साइट पर जहां समुद्र मंथन का उद्योग चल रहा है। सब ठप हो गया था काम धंधा, वो तो भागे थे जान बचाने के लिए, लेकिन अब फिर से स्थिति ठीक हो गई और वो लोग ब्रह्मा जी से पूछे, चाहे भगवान अजीत से पूछे होंगे कि अब क्या किया है, तो भगवान ने कहा मत हो उत्साह, सब तो सारा संकट खत्म हो गया। तो वे लोग जुटे आए, अब यही संकट था, भगवान ने आश्वासन दिया कि अब विष नहीं निकलेगा, अब तो सब दूसरी दूसरी बहुत उपाध्याय वस्त्रीय निकलेंगी, इसलिए प्रीता बहुत प्रसन्न हुए देवगण और असुर। भगवान शिव को वृषांक कहते हैं, वृषांक का अर्थ होता है जो वृष के अंक में बैठते हैं, बैल पर जो चढ़ते हैं वृष पर, तो इनको वृषांक कहते हैं। और भगवान शिव कभी कभी झंडा जब रखते हैं तो उस पर गाय का बैल का चित्र रखते हैं, वृषांक। वैसे भगवान शंकर भी गोपाल हैं, गाय रखते हैं अपने साथ, गो मन बैल गाय, और इनकी पत्नी बाघ रखती है। दुर्गा जी की सवारी बाघ है, भगवान शिव की सवारी बैल, वो सब सेलेसियल बहुत दिव्य जीव हैं, कोई इस संसार के नहीं। और इनके दो पुत्र हैं तो एक चूहा सवारी रखता है और एक कार्तिकेय जी रखते हैं मयूर, मयूर के आकार का वो दिव्य जीव है। और चूहा भी वो कोई ये साधारण ये सब चूहा नहीं है, जो पैर दे दीजिए तो मर जाएगा वो चूहा का आकार है, लेकिन गणपति जी का वो वाहन। तो भगवान शिव के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को सवारी है, अपनी कार है, वैन है, किसी को कमी नहीं। कार्तिकेय जी की सवारी है, पत्नी की सवारी है और गणेश जी की है, और अपना तो बैल है ही, पूरा सवारी है, ठीक है। एक कवि ने कहा है कि शिव जी जहर क्यों पी गए, कवि लोग तो जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। संस्कृत का कवि कहता है कि जानते हैं क्यों शिव जी जहर पी लिए, तो स्वयं ही उत्प्रेक्षा करके उत्तर देता है कि भगवान शिव के घर में बहुत कलकनम है, बहुत झगड़ा है, बहुत कला है। क्या कला है कि इनकी एक पत्नी है सती पार्वती, और दूसरी एक स्त्री है जिसको शिव जी सिर पर चढ़ा लिए हैं गंगा जी को। ये सती हमेशा जलती रहती है कि इस गंगा को क्यों जटा पर धारण किया, इसको क्यों कपार पर चढ़ाया है, मैं पत्नी हूं और इसको ला करके अपने सिर पर बैठाया तो वो कहता है कोई कि वो गंगा जी से सती का झगड़ा रहता है, गंगाधर हैं और गंगा जी एक स्त्री हैं। जब अपनी विवाहिता पत्नी घर में आए तो एक अलग से ऊपर से ब्रह्म लोक से आई हुई स्त्री को कपार पर बैठा लिए, तो स्त्रियों में तो सहज जलन होती है, सौत हमारी ला करके बैठा ली, तो उन लोगों में कभी बनता नहीं है गंगा जी में और सती में, वो कल्पना कर रहा है कभी। और इधर क्या है
भगवान शिव की सवारी बैल है और उनके पत्नी की सवारी बाघ है, तो बाघ हमेशा बैल को खाने के फेर में रहता है। वो तो बहुत हिसाब से बांध करके रखा जाता है, नहीं तो कभी भी अटैक करके खा जाता है। अब इस कारण से बहुत परेशानी रहती है। बहुत संभाल करके बैल को रखना है, बाघ हमेशा देखता रहता है इस, तो बांध करके पगहा में बंधन में रखा जाता है, नहीं तो कब का खा गया हो। एक तो ये परेशानी है, एक तो स्त्री का झगड़ा, दूसरे ये सवारी अपन अलग अलग रखना है, और संकट है कि इनके एक पुत्र की सवारी है मयूर, और भगवान शिव के शरीर में इधर उधर सांप रहते हैं, तो मयूर सांप को खा जाते हैं। तो मयूर हमेशा दृष्टि रखता है कि शिव जी के गर्दन से सांप निकाल कर खा जाऊं। तो वो बेचारा सांप दुबका रहता है इधर उधर, और भगवान शिव रक्षा करने के फेर में पड़े रहते हैं। अब क्या करें, संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली चल रही है। तो अब मयूर से रक्षा करने के फेर में पड़े, सांप और एक दो सांप नहीं है ना, पूरा उनके जटा में, गर्दन में, बाह में इधर उधर सांप रहते हैं, उनको बड़ा संभाल कर रखना पड़ता। और उनके एक पुत्र की सवारी है चूहा, तो भगवान शिव के देह में रहने वाले नागराज सांप से चूहा पर दृष्टि रखते हैं कि कब खा जाए, तो वो गणेश जी अपना चूहा बचा कर रखते हैं। एक से एक दिक्कत है। इन्हीं सब कारणों के चलते हम तो अनुमान करते हैं कि शिव जी जहर पी करके मर जाना चाहते थे कि इस झंझट से, इस कष्ट से हम मुक्त हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण का इतना नाम जपे हैं कि नहीं मर पाए। भगवान के नाम के प्रभाव से बच गए। हरे कृष्णा 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 हरे, हम हरे राम राम राम। यह सब गल्प है, वास्तव में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान शिव की के परिवार का स्मरण करने के लिए एक बहाना है। इस प्रकार से उनका चलता है। कभी कहते हैं इसलिए जहर पिए थे, शौक से नहीं पिए थे, लेकिन है ईश्वर, अब जहर क्या करेगा उनका। तो भगवान शिव पी गए बिस्को, तो देवता और दानव बड़े प्रसन्न हुए, उस साइट पर लौटे भगवान के कहने पर, तो आश्वासन दिया गया कि अब कोई खतरा नहीं आएगा, चलो मत हो, और अब बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी। लोग लौट मंथन चालू किए, तो विष के बाद दूसरा नंबर पर देव हवीर धानी ततो भवत, ततः का अर्थ इसके बाद अथवा समुद्र मथनात, समुद्र मथन से हवीर धानी अभवत। हवीर धान, धानी का अर्थ जो रखती है, और हवि का अर्थ हवि, हवि जो यज्ञों में हवन किया जाता है, घी, घी को हवि कहते। तो घी देने वाली, हविष्य देने वाली कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। तब अब वहां पर ये प्रश्न हुआ कि विष तो शिव जी पिए, और ये बहुत सुंदर गाय, अब इसको कौन लेगा। तो चाहते तो सभी थे, लेकिन इंद्र आदि चुपचाप रहे। भगवान ने कहा था कि किसी चीज की इच्छा मत करना, लोभ मत करना, क्रोध मत करना। तो भगवान की शिक्षा के कारण देवता आदि सब चुप थे। देखें ये अगला भाग, अंगऊ कहते हैं हमारे यहाँ, किसको दिया जाता है अगला भाग, पहला उत्पाद। तो भगवान ने असुरों के तरफ देखा, अजित भगवान की, आप लोगों को चाहिए। तो असुर तो गाय को खाते हैं, वो कहां से पसंद करेंगे। मेरे को नहीं, हमको गाय से नहीं चाहिए, वो लोग उसकी महिमा नहीं जानते थे।
भगवान चाहते थे कि ये न ले गाय को, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये गाय रखेंगे तो नहीं, हम गाय नहीं रखेंगे। गाय से प्रेम नहीं होता है राक्षसों का, असुरों का, ये स्वभाव। तब लेकिन भगवान ने ये कहा कि ये टर्म तो आप लोगों का है, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो लोग कहा नहीं, कोई नहीं चाहिए। वो लोग सोच रहे थे कि इससे भी अधिक अच्छी चीज उत्पन्न होगी तो उस समय हमारा टर्म रहेगा, और अभी ले लेंगे तो फिर कोई महत्वपूर्ण बात रह जाएगी। वो लोग हमेशा भगवान पर शंका करते थे, ठीक उल्टा सोचते थे, तो नहीं लिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा काम किया जाए, किसी कमाई का प्रथम अंश दान करना चाहिए। तो ये देवता भी नहीं लेंगे और दानों तो ले ही नहीं रहे हैं, इसलिए ऋषियों को दान दे दिया जाए, गोदान किया जाए। पहली कमाई है इतना उद्योग करके, तो कमाई का पहला हिस्सा दान करना चाहिए। साधु ब्राह्मण को दान कर दिया ऋषियों को, क्योंकि लोग यज्ञ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उनको दे दिया गया। तामग्निहोत्रिम ऋषयो जग्रहुर ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मिथ्या अभिषेकम्। तो ऋषियों ने उसको ग्रहण किया गाय को, जो ऋषि ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी का अर्थ है वेदवादी, वेद के अनुसार ही वचन बोलते थे, वेद के अनुसार जीवन यापन करते थे। तो भगवान की आराधना के लिए, यज्ञ करने के लिए वे लोग ले लिए। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। ततः उच्च श्रवा नाम हयोभूत चंद्र पांडुर तस्मिन बलि स्प्रिहाम चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षा। बहुत ही सुंदर अश्व निकला, घोड़ा निकला, जो चंद्र वर्ष, चंद्रमा की, चंद्रमा के समान धवल वर्ण का था, बहुत सुंदर श्रेष्ठ। वो जमीन पर नहीं चलता है, आकाश में हमेशा चलता है, विमान से भी अधिक तेज गति से। उसको देखते ही बलि ने कहा ये हम लेंगे, असुरों के जो नायक थे, बलि ने कहा हम लेंगे। इंद्र भगवान इच्छा नहीं किए, क्यों? ईश्वर शिक्षा, पूर्वोक्तया ईश्वर शिक्षा, जो समुद्र मंथन की भूमिका के समय भगवान ने कहा था कि तुम लोग इच्छा मत करना, मांग मत करना, तो भगवान इंद्र चुपचाप थे, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। देखिए यही भक्त का स्वभाव है, भगवान ने कह दिया था कि तुम लोग मत कुछ चाहना, ये चुपचाप रहे, ठीक है जैसा होगा, जो भाग्य में लिखा है भगवान की कृपा से मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, क्या करें, संतोष किए और बलि ले लिए उस घोड़ा को। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वस्तु अब इसके बाद आने वाली थी। तो भगवान ने भी कहा ठीक है। तथा ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गत दंत चतुर्भि श्वेताद्रेर हरन भगवतो महिम। इसके बाद ऐरावत नाम का गजेंद्र निकला, श्रेष्ठ हाथी, यह भी चंद्रमा के समान धवल वर्ण का है और इसके उजले उजले चार दांत बहुत ही सुंदर हैं, और ऐसा सुंदर लगता है ऐरावत कि अपनी महिमा से, अपनी चमक से भगवान शिव के कैलाश पर्वत की छवि को ही फीका कर देता। भगवान के पर्वत कैलाश, कैलाश भी चांदी का पर्वत है, धवल वर्ण का है बिल्कुल, तो उसकी महिमा को भी हर लेता है ये गजराज ऐसा। जेम ही हाथी उत्पन्न हुआ तेम ही असुरों ने कहा हम लेंगे, आ बोलो हम चालू किए, जो भी होगा हम लेंगे। लुका लेते हम लेंगे, हम लेंगे, तो चूंकि वहां भगवान थे तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप लोग तो ले चुके, आखिर बेचारे ये देवता भी मत रहे हैं तो इनको कुछ मिलना चाहिए ना, धर्म के अनुसार आचरण कीजिए, एक वस्तु आप लीजिए, दूसरे लोग ये लेंगे। तो पहला टर्म तो आपका था कि आप गाय लेते, तो गाय नहीं लिए, चलिए घोड़ा लिए, तब सब चीज आप ही लेंगे। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तब ले लें हाथी ये लोग, अब क्या करें।
भगवान का ऐसा ट्रिक था। तो इंद्र को ऐरावत हाथी मिला, बहुत बड़ा लाभ। और इसके बाद कौस्तुभ मणि निकला, जगमग कर दिया दसों दिशाओं को कौस्तुभ मणि, बहुत मूल्यवान। सारा विश्व बेच दिया जाए तब भी कौस्तुभ मणि का दाम नहीं चुकेगा, इतना मूल्यवान चमचम चमकता हुआ। वो जब समुद्र की लहरों पर से आया तो मंथन रुक गया, और जितने असुर थे सब चाहने लगे, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, हमारा टर्म है हमारा टर्म है, हमारी बारी है हम लेंगे। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक है, देवताओं को भी मिल गया आप लोगों को मिल गया। अच्छा ये बताइए कि समुद्र मंथन में मैं कोई काम कर रहा हूं कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं, हमको कुछ चाहिए कि नहीं? तो देवता तो बड़े प्रसन्न थे, वो तो चाहते थे कि भगवान को सब कुछ दे दिया जाए। बोलो तो कहे हाँ हाँ, लेकिन अब असुर बड़े विषण होकर के कहे कि ठीक है ले लो क्या। भगवान कच्छप बनकर पर्वत धारण किए हैं, पर्वत में प्रवेश किए हैं, सब में प्रवेश किए हैं, पर्वत के ऊपर बैठे थे, वासुकी में प्रवेश किए हैं, डायरेक्ट मथ भी रहे हैं, और फिर भी ये मूर्ख लोग दुष्ट लोग नहीं चाहते थे कि वे कुछ लें, उनको कहना पड़ा कि हम लेंगे, तब जाकर के वो लोग दिए। तो भगवान उसी समय वक्षो अलंकरणम हरे, भगवान लगाए कौस्तुभ मणि को, जो भगवान के वक्षस्थल का श्रृंगार, उसको धारण किए। आपुरमा मणि चार, तो मणि लिए भगवान। तस्मिन मणो स्प्रिहाम चक्रे वक्षो लंकरणे हरि, सब असुर लेने लेने को कह रहे थे हम लेंगे, ये सबसे धनी गहना सबसे मूल्यवान हम लेंगे हम लेंगे, नहीं कोई नहीं। भगवान ने स्प्रिया किया कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं लूं। भगवान को भी ये नाटक करना पड़ रहा है, जैसे लगता है उनको आवश्यकता है हम भी लेंगे, हम कमाए हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे, हमने मेहनत किया है। इस प्रकार बंटवारा चल रहा। ततो भवत पारिजात सुरलोक विभूषणम, इसके बाद पारिजात उत्पन्न हुआ। पारिजात उत्पन्न हुआ तो पुनः भगवान ने ट्रिक किया, असुरों को कहा कि ये प्लांटेशन करेंगे, पेड़ लेंगे, वृक्ष लेंगे। तो लोग कहा नहीं, अभी पेड़ वृक्ष लेंगे, जबकि कल्प वृक्ष सब कुछ देने वाले थे, लेकिन असुर उसकी महिमा नहीं जानते। असुर लोग तो सारे वृक्षों को काट कुट करके फेंक रहे हैं, असुर कहां से पेड़ लेंगे। भगवान चाहते थे कि ये वृक्ष देवलोक में जाए, देवताओं के पास रहे। कहीं भी वृक्ष, वृक्ष और पशु, यही तो सबके बड़े सहायक होते हैं। पशु और वृक्ष अजीव्य है मनुष्यों के, इनके कृपा से मनुष्य समाज ठीक रहता है। यहां तक देवताओं के समाज में भी वृक्षों की आवश्यकता है, फल पुष्प आदि सब वस्तुओं के लिए। तब ये लोग रिजेक्ट कर दिए, लेकिन उनका टर्म बीत चुका था। ये टर्म था कि वे लोग लें कौस्तुभ मणि के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये पेड़ पौधा नहीं लेंगे। तो भगवान ने कह दिया देवताओं को, ठीक है आप लोग ले लीजिए इसको। तो वह कैसा वृक्ष था पारिजात, पूर्यति अर्थिनो योर्थ शश्वत भूवि जथा भवान। हे महाराज परीक्षित, जैसे आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जो जो चाहता है वो देते रहते हैं, उसी प्रकार से कल्प वृक्ष भी याचक की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। महाराज परीक्षित के साथ तुलना कर रहे हैं, जथा भवान जैसे आप। इसे सिद्ध होता है कि महाराज परीक्षित के पास कोई भी याचक कुछ भी इच्छा लेकर के आता था तो वे उसको देते थे।
जैसे आप अर्थियों के याचकों की इच्छा को पूरा करते हैं, उसी तरह से कल्प वृक्ष भी पूरा करता हूं। ध्यान रखना चाहिए कि टर्म बीत चुका था उनका, अब आया। ततश्चाप सरसो जाता निष्कंठ सुबास सह रमण्य स्वर्गिणाम बलगो गति लीलावलोक नहीं। इसके बाद अप्सराएं उत्पन्न हुई, बहुत ही सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, और जो इस प्राकृत जगत में सर्वेंद्रिय को आह्लाद देने वाली स्त्रियां, तो सारे असुर तो अब टूट पड़े कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, बहुत अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। अब लगा कि वो ले ही लेंगे, लेकिन भगवान वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि सुनो सुनो धीरज, आप लोगों की बारी थी वृक्ष की, वृक्ष को आप लोगों ने नहीं लिया, तो अब स्त्रियों को लेने का टर्म देवताओं का है, आप लोगों का नहीं है। नहीं, आप लोगों में जो प्रधान है वो धर्म से बोलें कि इस समय किसका अधिकार है। ये पहले मणि मैं ले लिया और वृक्ष देवता लोग लिए, जबकि आप लोगों को लेना चाहिए था तो नहीं लिए, तो अब तो देवताओं को मिलना चाहिए ना। आखिर आधा मेहनत तो ये कर रहे हैं, 50% तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनका योगदान है, पर मथानी भी लाए, मथ भी रहे हैं और लता पता सब डाले लाए, तो इनका तो होना चाहिए। अब वो लोग सामने कहने पर धर्म के संकट में पड़ गए और भगवान की चातुरी के सामने उनकी चातुरी लगी नहीं, लोग कहे अच्छा ठीक जाओ। तो सारी अच्छी अच्छी चीजें देवताओं को भगवान दे रहे थे। रमण्य स्वर्गिणाम बलगु गति लीलावलोक ने, तो इस स्वर्ग में रहने लगी अप्सराएं, जो अपने गति विलास हास आदि से स्वर्गवासियों को सुखी करती हैं। भगवान की कृपा से देवताओं को ये स्त्रियां मिली। इनके श्रृंगार का सौंदर्य का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, निष्कंठ सभी कंठाभरण धारण की थी, सुवास सह बहुत सुंदर कपड़ा पहनी थी। स्वर्ग में स्त्रियां सब साड़ी पहनती हैं, उधर एक भी स्त्री फुल पैंट पैंट टाई ये सब नहीं पहनती। ये तो सब पृथ्वी पर चलता है, यहां पर मनमाना वेशभूषा। देवताओं की पोशाक निश्चित है, बहुत अच्छा से पहनते हैं, ऐसा नहीं कि जो मन करे बस वैसा पहन करके चल लो। और देवताओं के समाज में कोई नग्न नहीं रहता है। इस पृथ्वी पर तो कुछ मनुष्य ऐसे नग्न धड़ंग घूमा करते हैं, भूत प्रेत जैसे, स्वर्ग में एक भी व्यक्ति नग्न नहीं रहता है, वस्त्र पहन करके रहते हैं ठीक से। आजकल इस पृथ्वी पर तो ऐसा हो गया है कि कोई नग्न घूमने लगे तो उसी को लोग समझते हैं सिद्ध बाबा हो गया, जिसको लज्जा और हया तक नहीं है, तो सिद्ध तो है ही वास्तव में, कोई लज्जा नहीं है कुछ नहीं है। अरे पहले के लोग नग्न रहते थे कब, जब घोर वन में रहते थे, कपड़ा नहीं मिलता था, ऋषि मुनि हो गए तो केला पहन लिए चाहे वृक्ष की छाल, भजन करते थे। लेकिन इधर सुपर मार्केट में घूम रहे हैं और फिर भी नग्न पाषंड। स्वर्ग में सुवास शब्द पर मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग में वो देवियां बहुत सुंदर वस्त्र पहनती, स्वच्छ धुला हुआ बहुत अच्छे, और इसके द्वारा उनके श्रृंगार और वैभव और सौंदर्य का वर्णन कर रहे। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशह कांत्या विद्युत सौदा मनी यथा।
इसके पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि और भी तीन चीजें उत्पन्न हुई, अभी अभी तो आगे भी उत्पन्न होने वाली चीजें अमृत वारुणी। हाँ, तो वारुणी मदिरा ये असुरों को भगवान ने दिलाया, ये आप लोग ले लीजिए, वो लोग बहुत पसंद किए वारुणी। वरुण देव के द्वारा स्पेशल वो कलाकार थे, उन्होंने एक बनाया था अन्न की बनी हुई मदिरा, वारुणी मदिरा कहते। तो वारुणी मदिरा बाद में इन लोगों को मिलेगी, और इसके पहले शंख उत्पन्न हुआ तो शंख भगवान ने ले लिया, और एक धनुष उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन से, और चंद्रमा उत्पन्न हुआ जिसका उल्लेख यहां नहीं है लेकिन 14 रत्न होते हैं। तो चंद्रमा जब उत्पन्न हुए तो ये प्रश्न होने लगा, ये किसको दिया जाए, ये किसको दिया जाए। तो भगवान ने ही कहा कि देखो शिव जी ने सबका प्राण बचाया है और वो जहर पिए हैं, उनके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ी है, उनको शीतलता देने के लिए चंद्रमा दे दिया जाए उनको। तब असुरों ने भी कह दिया हाँ ठीक है दे दीजिए। तो भगवान शिव को चंद्रमा दिया गया, तो चंद्रमा को अपने जटा में धारण करते हैं, तो इसीलिए उनको शशि शेखर कहते हैं। शेखर का अर्थ है मुकुट, चंद्रमा जिनका मुकुट है, या चंद्रशेखर, शशि शेखर, चंद्रधर, चंद्रमौली, ये सब भगवान शिव के नाम है। और धनुष लिया भगवान ने, शंख लिया भगवान। भगवान का ट्रिक था, वास्तव में तो सब कुछ भगवान का ही है, वो क्या ले रहे हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो वारुणी मदिरा लक्ष्मी जी के बाद उत्पन्न हुए तो वो लोग ले लिया असुर लोग। वह एक कन्या के रूप में उत्पन्न हुई वारुणी मदिरा, श्रृंगार की हुई कन्या के रूप में, तो असुरों को दे दिया गया। लक्ष्मी जी के आविर्भाव की स्पेशल कथा कह रहे हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। इसके बाद साक्षात श्री उत्पन्न हुई। साक्षात श्री का अर्थ, श्री का अर्थ है संपत्ति, मूर्तिमति संपत्ति। लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हैं, एक तो भगवत प्रेयसी के रूप में वो वैकुंठ में रहती हैं, भगवान की पत्नी, और दूसरा वे संपत्ति के रूप में रहती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में या परव्यों में जितना भी धन वैभव सफलता सुख है वो सब लक्ष्मी जी के कारण है। तो संपत रूपा लक्ष्मी और प्रेयसी रूपा लक्ष्मी, दो प्रकार से लक्ष्मी जी रहती। तो यहां संपत रूपा लक्ष्मी की कथा आ रही है। यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान की प्रेयसी समुद्र की लहरों पर उत्पन्न हुई थी, तो प्रकट हुई संपत रूपा लक्ष्मी, लेकिन मूर्तिमती। ये लक्ष्मी जी भगवत परा हैं। भगवत परा का अर्थ है भगवान ही जिनके सबसे बड़े आश्रय हैं, भगवान का भक्त, यह अर्थ है भगवत परा। और इनका नाम है रमा, श्री जी का एक नाम रमा है, क्योंकि भगवान को भी ये रमाती है, भगवान को भी सुखी करती है, इसलिए इनको रमा कहते हैं। अथवा रमा का एक और भी अर्थ है कि संपूर्ण विश्व को सुखी करती हैं रमा जी, लक्ष्मी जी, इसलिए इनका नाम रमा है। संपूर्ण विश्व सुखी है, शांत है, जब मनुष्य को खाने को है, पहनने को है, घर मकान सब है, रुपया पैसा है, तो सुख शांति का अनुभव करता है। ये सब लक्ष्मी जी का विलास। हमारे इस कान में जब पैसा आता है, कलेक्शन होता है, तो यही कहते हैं किचन कितना लक्ष्मी पॉइंट है, लक्ष्मी कहते ही है, कभी रुपया पैसा नहीं कहते, लक्ष्मी कहते, लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी भगवत परा है, तो लक्ष्मी जी का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए।
रावण नहीं बनना चाहिए, रावण लक्ष्मी जी को अपनी सेवा में ले गया था, ले जाना चाहता था, इसलिए भगवान ने मार दिया उसको, सीता जी का हरण करके ले गया था लंका। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से रावण नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी हमेशा भगवान की सेवा में रहनी चाहिए, अपनी सेवा में नहीं। यहां भगवत परा और रमा शब्द का प्रयोग किया है, रमा आविर्भूत हुई साक्षात श्री, श्री और लक्ष्मी का लगभग एक ही अर्थ होता है, श्री का अर्थ होता है सौभाग्य, सफलता, सुख, शांति। श्री जी प्रकट हुई जो भगवान की सेवा में रहती हैं, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी जथा, कांत्या अपने शारीरिक कांति से सौंदर्य से दसों दिशाओं को रंजयंती सुखी करती हुई प्रकट हुई। इसका अर्थ है कि दस दिग्वर्ती जनों को, जहां जो भी जीव थे, मनुष्य थे, देवता, दानव, सबको प्रसन्न करती हुई, सबको आह्लादित करती हुई लक्ष्मी जी प्रकट हुई। कैसे? जैसे सौदामनी विद्युत, सुदामा नाम का एक पर्वत है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुदामा नाम का एक पर्वत है जिसमें स्फटिक की बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और विद्युत जब चमकती है, विद्युत चमकता है, बिजली, तो जितना आकाश में वो देखने में अच्छा नहीं लगता है विद्युत, वो स्फटिक मणि में उसकी चमक पड़ने पर कुछ देर से वो रुकता है और उसकी प्रभा और ज्यादा बिखरती है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी कांति है उनके शरीर की, तो कहते हैं विद्युत सौदा मनी जथा, इस तरह से प्रकट। तो भगवान की प्रिया है साक्षात संपत्ति रूपा श्री जी, तो क्यों नहीं इतना सुंदरी होंगी। सब दिशाओं में सब लोग सुखी हो गए, लक्ष्मी जिसे कौन सुखी नहीं होता है बताइए। आजकल तो बड़े बड़े विरक्तों को भी लक्ष्मी जी से ही सुख होता है। आप कहीं किसी को खिलाइए पिलाइए और कुछ ना दीजिए तो कहेगा सब बेकार हो गए। अब तो साधु लोग पूछते हैं कि वहां कुछ है दक्षिणा, तब खाने जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। यद्यपि वो खाना भी श्री जी का ही प्रसाद है, भोजन भी श्री जी का प्रसाद है, लेकिन तथापि श्री इतना प्रिय है तो रंजयंती। मनुष्य के पास और कुछ न रहे, अगर पैसा काफी है तो अपने आप आनंद भीतर से आता रहता है, उसको वो खुश रहेगा, उसको रंजन कहते। श्री के प्रकट होने से सब लोग रंजित हुए, सुखी हुए। तस्याम चक्रु स्पृहाम सर्वे ससुरासुर मानवा रूपो दार्ज वयो वर्णम महिमा क्षिप्त चेतस। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी संपत्ति रूपा लक्ष्मी के प्रति सभी कामना किए, देवता, मनुष्य, असुर सब चाहने लगे लक्ष्मी जी को। यहां सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य और जो देव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि भाई देवता लक्ष्मी जी को चाहने लगे, हाँ संपत रूपा लक्ष्मी की कथा हो रही है। कौन नहीं संपत्ति चाहता है, कौन नहीं धन चाहता है, वो देवता, मनुष्य, दैत्य सभी लक्ष्मी जी की कामना किए, उनके रूप, उदारता, यौवन और शरीर का सौंदर्य और महिमा आदि से उनका चित्त खींच लिया गया, आकृष्ट हो गया और वे सब चाहते थे। इसका अर्थ यह है कि सभी धन चाहते हैं, सभी सफलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सबकी इच्छा हुई कि हमको लक्ष्मी मिले, हमको लक्ष्मी मिले। इन ध्यान रखना चाहिए कि वहां जो देवता थे वे उस श्री जी को इस रूप में नहीं चाहते थे कि हमारी पत्नी हो जाए, हमारे साथ विवाह हो,
असुर चाहते थे कि हमारी पत्नी हो जाए, उनका उनका दृष्टिकोण दूसरा था। दृष्टिकोण का बहुत अंतर होता है। किसी एक वस्तु को मान लीजिए दो आदमी खरीदने जा रहे हैं, तो दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होने से बहुत अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो गाय का भक्त है, किसी मेला में जा रहा है गाय खरीदने के लिए, तो गाय को किन्ना है खरीदना है तो पूछेगा जा करके कितना दूध देती है, कितना बच्चा पहले दे चुकी है, वो ये देखेगा, क्योंकि गाय का भक्त है और गाय से दूध चाहता है तो दूध के लिए खरीदेगा, उसकी दृष्टि दूसरी है। और कसाई जो गाय का वध करता है, वो जाएगा मेला में तो वो ये देखेगा गाय में कितना मांस है, इसका चमड़ा कितना में बिकेगा, ये एक देखेगा वो देखेगा। गाय खरीदने दोनों गए हैं, लेकिन एक कसाई है दुष्ट है और दूसरा एक गोभक्त है, तो दोनों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर हो गया। चाह रहे हैं गाय को दोनों, लेकिन एक दूसरे तरफ से चाह रहा है, एक दूसरे दृष्टि से चाह रहा है। जितने असुर थे वे चाहते थे कि लक्ष्मी के साथ मेरा विवाह हो, हमारा विवाह हो, हम भोगें इसको, और देवता दूसरे तरह से चाहते थे। श्री जी का कृपा कटाक्ष हम पर हो, हम इनकी कृपा से सुखी रहें, गरीबी का दुख न भोगें, सफल रहें, सुंदर रहें, ऐसी कृपा चाहिए, ये भाव था। स्प्रिहा का ये अर्थ है कि वे लोग देवता चाहते थे कि हम पर एक कृपा करें, और ये नहीं चाहते थे कि हमारी पत्नी हो जाए, असुर चाहते थे। देखिए किस प्रकार देवता सेवा कर रहे हैं श्री जी की। तस्या आसनमानी ने महेंद्रो महदद्भुतम। महेंद्र भगवान इंद्र महद अद्भुतम आसनम अनिन्य। इंद्रदेव तत्काल ही बहुत सुंदर और बहुत विशाल अद्भुत आसन लाए लक्ष्मी जी के बैठने के लिए। यह है पूजा सेवा। भगवान की प्रेयसी हैं, प्रिया हैं, तो इनकी सेवा के लिए इंद्रदेव लाए। वो समझ गए तत्काल की पूज्य है, इनके लिए आसन देना चाहिए। तो स्वागत में लक्ष्मी जी तो खड़ी थी सब प्रकार के आभूषण पहन करके, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए परम सुंदरी लक्ष्मी जी खड़ी हैं। तो भगवान इंद्र मथना छोड़ करके समुद्र, वो तो मंथन तो रुक ही गया, और वे आसन लाए। तो आसन की दो विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, महत और अद्भुतम। अद्भुतम शब्द से तात्पर्य है बहुत कीमती और बहुत प्रकार से डिजाइन में बनाया गया था, और महत का अर्थ है बड़ा। जब श्री जी बैठ गई आसन पर तो गंगा आदि नदियां स्त्री के रूप में मूर्तिमान होकर सोने के घड़ों में जल लेकर के आई अभिषेक करने के लिए। अभी श्री जी का अभिषेक करना है तो मूर्तिमत्य सरित श्रेष्ठा हेम कुंभर जलम सूची। वहां ये नहीं करना पड़ा कि कोई जाए और गंगा जी से पानी भर करके लावे अभिषेक करने के लिए। गंगा जी स्वयं स्त्री बन करके और सोने के कलश में पानी लाई। सरित श्रेष्ठ बहुवचन में गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी महानदी सब आई। मूर्तिमती श्रृंगार करने सब दासियां हैं लक्ष्मी जी की। देवराज इंद्र आसन दिए और नदियां हेम कुंभई स्वर्ण कलशों में जल लेकर के आई। आभिषे चनिका भूमि रा हरत सकल औषधि। और भूमि ने पृथ्वी ने मूर्ति धारण करके स्त्री के रूप में हो करके लाई
अभिषेक की सामग्रियां जो पृथ्वी से प्राप्त होती हैं, जैसे चंदन या कुछ बहुत सी लताएं, बहुत से द्रव्य अभिषेक में आवश्यक होते हैं, तो पृथ्वी माता मूर्तिमान होकर के आई और समर्पित की। सकल औषधि, अभिषेक के लिए जितनी औषधियों की जरूरत पड़ती है उतनी, एक जगह कहा गया है कि 10 औषधियों की जरूरत पड़ती है, तो 10 प्रकार की औषधि पृथ्वी लाई। और गाव पंच पवित्राणी बसंतो मधुमाधव, और गौओं ने 5 पवित्र चीजें दिया, उसको पंच गव्य कहते हैं। गव्य का अर्थ है गाय से उत्पन्न, तो पंच गव्य इस प्रकार का है, दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र, गोमय और मूत्र, ये 5 चीजें बहुत पवित्र मानी गई है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गोमय, गोबर और मूत्र, इनको गौओं ने दिया। अभिषेक में ये वस्तुएं आवश्यक। और भी शास्त्र में विचार किया गया कि जो सोना के समान पीले वर्ण की गाय होती है उसका दूध लिया जाता है, और नील वर्ण की जो गाय होती है उसका घी लिया जाता है, और हरे वर्ण की, हरे लाल, लाल वर्ण की जो गाय होती है उसका दही लिया जाता है, और उज्जवल वर्ण की जो गाय होती है धवल, उसका गोबर लिया जाता है, और कोई कृष्णा गौ या कुछ ऐसे उसका मूत्र लिया जाता है, कुछ विधान इस प्रकार का। तो गाव यहां बहुवचन में है, बहुत सी गौएं आकर के दूध, घी, दही आदि दी। एक बार एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया था कि गौओं ने डायरेक्ट दही दिया क्या, कि दही बनाना पड़ा? जो कुछ भी हो उन लोगों ने दूध दिया होगा, तत्काल उसको जैसे तैसे बनाया गया होगा। गोमय और गोमूत्र और दूध तो स्पष्ट ही है, दही और घी रह गया। उन लोगों ने आकर के दिया, चाहे बनाया गया होगा चाहे डायरेक्ट दिया होगा, जो भी हो। और बसंत ने क्या दिया? बसंत ऋतु ने मधु माधव, चैत और वैशाख ऋतु में खिलने वाले फूल दिए। चैत और वैशाख को बसंत ऋतु कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना चाहिए, श्री जी के अभिषेक की तैयारी हो रही है, और यह अवतार श्री जी का समुद्र से जो प्राकट हो रहा है, बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए हो रहा है। वो नित्य प्रेयसी हैं भगवान की, कि स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्री जी ने चाहा कि मैं जगत को बता दूं कि भगवान में और औरों में क्या अंतर है, भगवान क्या है और देवता और दैत्य या मनुष्य कितना उनसे छोटे हैं, यही बताने के लिए ये प्रकट हुई है। स्वयंवर करना चाहती, अपने वर का चयन करें। जब श्री ने नारायण को अपने वर के रूप में चुना, अजित भगवान को चुना, तो यह सर्वत्र जगत में प्रसार हो गया कि सबसे श्रेष्ठ सर्व गुणमंडित भगवान नारायण हैं, क्योंकि संसार की सबसे महिमामयी परम विदुषी सर्वश्रेष्ठा स्त्री नारायण को ही वरण की है। अपने आचरण से लक्ष्मी जी ने जगत को शिक्षा दिया, लक्ष्मी जी के समान विद्वत विदुषी और लक्ष्मी जी के समान वरिष्ठ धनी
या सौभाग्यवती या श्रेष्ठ कोई नारी इस जगत में नहीं है। गोपियां जब भी बात करती हैं तब वे लक्ष्मी जी का उदाहरण देती हैं। लक्ष्मी जी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ, यहां तक कि राधा रानी लक्ष्मी जी को ही अपने गुरु मानती है। चैतन्य चरितमानस में कहा गया है कि एक बार राधा रानी विलाप कर रही थी कृष्ण के विरह में, और कृष्ण को बहुत कपटी कह रही थी कि वे जो वचन दिए पूरा नहीं किए, वे छोड़कर चले गए, ऐसे किए वैसे किए, लगता है कि बरड़ हो जाएगा। तो किसी सखी ने उनकी परीक्षा के लिए थोड़े काल के लिए कह दिया कि जब कृष्ण इतने कठोर हैं तो आप कृष्ण को भूल क्यों नहीं जाती हैं, क्यों नहीं छोड़ देती हैं। इस पर उनका भाव बदल गया राधा रानी के, तब वे कहती हैं आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टुमा मदर्शनाद मर महताम करो तुआ जथा तथा वा विदधा तु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सायव नाथ। त्यश्च नृतुर जगुहु, अभिषेक की जो भी विधि थी उसको जुटाए, वस्तुओं को जुटाना, मंत्र तंत्र आदि जो कुछ भी था उसको उपस्थित किए, तो उस समय गंधर्व गा रहे थे और नट नाच रहे थे। जगुर भद्राणी गंधर्वा नट्यश्चर जगु, स्वर्ग के नट और स्वर्ग के गंधर्व जन खूब सुंदर गीत गा रहे थे, भगवान की लीलाएं गा रहे थे। भद्राणी का अर्थ है मंगलमय गीत, और स्वयं मेघ ही मृदंग बजा रहे थे। मेघ मृदंग बजा रहे थे इसका अर्थ एक टीकाकार करते हैं कि मेघ ऐसे गरज रहे थे ताल से, जैसे गंधर्व गा रहे थे तो मेघों का गर्जन उस ताल और स्वर के अनुसार हो रहा था। तो कितना अच्छा मृदंग लगता होगा। यहां मृदंग के शब्द को थोड़ा लाउड करने के लिए भक्त लोग माइक को मृदंग के पास किया करते हैं, और ये मेघ ही स्वयं मृदंग जैसा बोल रहे थे, अथवा मेघों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वे मृदंग बजा रहे थे। मृदंग बजाने वालों में सबसे सुपर मास्टर हैं देवराज इंद्र, सबसे अच्छा मृदंग बजाते हैं, भगवान के कीर्तन में स्पेशल कीर्तन में वो बजाते हैं, और नाचने में श्रील सुखदेव गोस्वामी, आलाप करने में, आलाप करने में। बताया गया है कि उद्धव जी कांस बजाते हैं, करताल बजाते हैं, उद्धव कांस्यधारी, अर्जुन भी आते हैं कीर्तन में, पद्म पुराण में लिखा गया है। देवता बड़े एक्सपर्ट होते हैं बाजा बजाने में, क्योंकि उनको भगवान की कीर्ति गानी होती है, इसीलिए सीखना चाहिए कि भगवान के कीर्तन में मृदंग बजाना है, गाना है, तो खूब अच्छा से सीख लेना चाहिए। जिसको नहीं गाना है नहीं बजाना है तो क्या करेगा, केवल हरे कृष्ण करेगा और क्या करेगा। जब लेकिन सीखना चाहिए कि हमको स्पेशल भगवान के विषय में गाना है बजाना है, भगवान की सेवा के लिए तैयारी होनी चाहिए, तब तो समय पर काम आएगा। और मान लीजिए भगवान का अभिषेक हो रहा है तो मृदंग बजाना ही चाहिए, गाना चाहिए। और ये ठीक है कि और कुछ भी ना आवे तो भगवान का नाम तो लिया ही जा सकता है किसी भी तरह से, परंतु मैं जो कह रहा हूं सेवा की बात कह रहा हूं कि भगवत सेवा के लिए कलाएं सीखनी चाहिए, आवश्यक, बोलने की कला, गाने की कला, नृत्य कला, वाद्य कला, क्योंकि वाद्य आदि के साथ जो भगवान का कीर्तन होता है भजन होता है तो उसका ज्यादा असर होता है। महाप्रभोर कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मन सोर से, गीत और वाद्य से मन मतवाला होने लगता है गुरु का।
जो महाप्रभु के कीर्तन नृत्य और गीत और वाद्य से बिल्कुल मन के रस से उन्मत्त हो जाते हैं, जिनको रोमांच हो जाता है, आंसू आता है, ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि जो गुरु कीर्तन नहीं करता है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भाव में नहीं है, वो गुरु है ही नहीं। सिद्ध हुआ है ना उस श्लोक के अनुसार, रोमांच कंपा सुतरंग भाज वंदे गुरु श्री चरणारविंद। वृंदावन में बहुत से भक्त सीखते हैं कैसे कीर्तन गाया जाएगा, बजाया जाएगा। अरे अच्छा है, संपूर्ण इस्कान में जगह जगह पर भक्त बड़े चाव से, बड़ी स्पृहा से सीख रहे हैं, हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना, गाना। यहां मेघ बजा रहे हैं बाजा, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। तो दो अर्थ करते हैं कि या तो मेघों के अभिमानी देवता बजा रहे हैं, अथवा मेघ गरज रहे हैं स्वयं ही ताल स्वर के अनुसार उस उत्सव में। मेघा मृदंग पणव मुरजानक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु बीणा तुमल निस्वना। बादल एक ही केवल मृदंग नहीं बजा रहे हैं, पणव नगाड़ा बजा रहे हैं, मुरज गोमुख बाजा और शंख वेणु बीणा, इसका अर्थ है कि बादल ऐसे बाज रहे, कोई बीणा की तरह आवाज निकाल रहा है, कोई बांसुरी की तरह, कोई शंख की तरह, इस तरह से। अथवा विविध देवता बाजा बजा रहे हैं जो मेघों के अधिष्ठात्री। बिना बाजा के और बिना नाच के, बिना गान के उत्सव क्या होगा? कहीं कहीं आप जाइए, कुछ ऐसे लोग हैं अध्यात्मवादी, उनके आश्रम में जाइए तो कहते हैं चुप ध्यान करो। ऐसे एक आदमी डिक्टेशन देता है और कहता है अब आप लोग आंख बंद कर लीजिए और सब लोग ध्यान कर कीजिए, और आपको यदि जाना होगा कभी जाकर के देखेंगे कि आंख बंद करके 100 में 95 सोते हैं, और वो कहते हैं कि ध्यान चालू है। आधा घंटा में ही उनकी हालत बिगड़ जाती है, कब ये ध्यान का युग बीतेगा, वो बेचारे सोते रहते हैं। हमने अपने आंख से देखा है मथुरा जी में ध्यान। एक सत्संगी लोग गए थे तो एक मास्टर के साथ मैं चला गया था, कोई ना मास्टर है, सत्संग है क्या है, जैसा नाम है, मैं चला गया था। मैं कहा था क्या साधना होती है, तो कहते ध्यान साधना होती है, यहाँ ध्यान शिविर है, ध्यान सेंटर है, जरा देखिए। तो मैं तो इस्कान का था, गया तो कुछ आलोचना की दृष्टि से ही गया, लेकिन कौतूहल था कि क्या ध्यान करते हैं। तो एक व्यक्ति बोला सीधा बैठिए, सावधान हो जाए, कोई बात ना करे, आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए। क्या ध्यान कीजिए ये नहीं बताया, ध्यान कीजिए। तो ध्यान कीजिए तो जो जहां से आया था, जो देखा था, कोई दुकान में सौदा बेच रहा होगा मन ही मन, कोई साइकिल चला रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, जो मन दिन भर देखा है, बोला है, सुना है, वही तो करेगा, लेकिन वह भी पूरा नहीं कर पाए बढ़िया से। बैठ करके घर का भी ध्यान करे वो भी नहीं होता था, नींद में हो गए, सो गए प्राय। आप विश्वास कीजिए, मैं देखा वहां पर 100 में 5 आदमी जगे होंगे, और जगने वाले भी वो आंख बंद किए होंगे तो भगवान का थोड़े ध्यान करते हैं, भगवान का तो पता ही नहीं है उनको, भगवान माने निराकार समझते हैं, वो ध्यान क्या करेंगे। तो ये तो हालत है, यही है हालत। उत्सव या अमृत महोत्सव का अर्थ है कीर्तन, कीर्तन गान नृत्य और प्रसाद,
इसको उत्सव कहते हैं। जब श्री जी का अभिषेक हो रहा है तो उस अवसर पर खूब बाजे बज रहे हैं, गाया जा रहा है। शंख वेणु वीणा तुमुल निःस्वना। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था हम लोगों के कीर्तन के विषय में, गौड़ीय संप्रदाय के कीर्तन के विषय में, इन लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रिक है, जिधर चलते हैं उधर मृदंग झांझ बजाते हुए, इसलिए किसी का भी ध्यान खींच जाता है। ये अच्छा उपाय इन लोगों ने निकाल लिया है। जिधर जाते हैं तो हल्ला करते हुए तो सब लोग आते हैं देखने, ये प्रचार का बहुत बड़ा तरीका अपना लिया है। ये हम लोगों का कोई ट्रिक नहीं है, वास्तव में यही तो जीवन है। भगवान का जस गाते हुए बजाते हुए जीवन बीत जाता है। वैष्णव हम लोग भगवान के सेवक हैं, भगवान के उत्सव में गाना बजाना या कार्य। ततो भी शिशिचुर देवी श्रियम पद्म कराम सतीम दिग्भा पूर्ण कल से सुक्त वाक्य द्विजय रितहिम। इसके बाद श्री जी का अभिषेक चालू किया गया। तो अभिषेक के समय भी स्पेशल बाजे बजने लगे, शंख वेद ध्वनि, ब्राह्मण ऋषि मुनि सब वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भी पुरुष सूक्त आदि जो मंत्र हैं सब बोलने लगे। किसने अभिषेक किया? दिग्गजों ने, ऐरावत आदि हाथियों ने, ये अर्थ है। जो अभी अभी उत्पन्न हुए थे समुद्र से, वे लोग अपनी अपने कर में अपने सूंड में सोने का कलश लेकर के और बहुत धीरे धीरे पद डाल रहे थे। वे अभिषेक कर दिगी भा पूर्ण कलश ही, पूर्ण कलश जल से भरा हुआ कलश लेकर अभिषेक कर रहे थे। जब अभिषेक हो रहा था तो उस समय श्री जी बैठे हुए थे आसन पर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पद्म कराम, श्री जी अपने हाथ में हमेशा पद्म लिए रहती हैं, कमल लिए रहते, और भगवान भी कमल लिए रहते हैं। भगवान अपने हाथ में बहुत अच्छा चीज धारण करते हैं। तो उनकी पत्नी देखी कि हमारे पति हाथ में कमल लिए हैं, पद्म लिए हैं, तो वो भी पद्म लिए रहते हैं। अथवा लक्ष्मी जी का नाम है पद्मा, क्योंकि वो पद्म से उत्पन्न हुई है, पद्म वन में निवास करती है, इसलिए उनको पद्मा कहते हैं। कमल बहुत प्रिय है लक्ष्मी जी को, कमल पुष्प के वाटिका में वो निवास करती हैं हमेशा। कमलालया, कमल आलया। तो अभी भी अभिषेक हो रहा था, वे नहा रही थी, फिर भी हाथ में कमल लिए हुए थे। पद्म कराम सतीम। जब अभिषेक हो गया तब लक्ष्मी के पिताजी ने, मतलब अब तो पिता समुद्र हो गए, तो समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसलिए समुद्र मान रहा था, क्षीर सागर मान रहा था कि हमारी बेटी है, हमारी कन्या। तो जैसे कन्या के विवाह के अवसर पर पिता साड़ी खरीदता है अपने कन्या के लिए, पीले रंग की साड़ी होती है विवाह के अवसर पर, प्रायः देखा गया है सुहाग की साड़ी पीले रंग की, तो समुद्र स्वयं ही मूर्तिमान होकर के आए और लक्ष्मी जी को वस्त्र दिए। समुद्र पीत कवसे वाससी समुपाहरक। पीत वर्ण का रेशमी वस्त्र अर्पण किया, दो वस्त्र, एक तो लहंगा जो नीचे स्त्रियां पहनती हैं जैसे ब्रज में पहनती हैं, और दूसरा ओढ़नी, दो वस्त्र दिए। वाससी का अर्थ दो वस्त्र। समुद्र देवता मूर्तिमान होकर के आए और अर्पित किए।
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। विश्वकर्मा जी ने आभूषण दिया। अब आभूषणों की यहां गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए भूषणानी बहुत बहुत भूषण। स्त्रियां जितना भी गहना पहनती हैं, जितना पहनना चाहिए, वो सारे गहने सारे आभूषण विश्वकर्मा जी लाए थे, बहुत सुंदर सुंदर डिब्बा में सजा कर खोल खोल करके देने लगे। स्वयं बनाए थे उन गहनों को विश्वकर्म प्रजापति। विचित्राणी, विचित्र विचित्र प्रकार के आभूषण थे, जैसे चूड़ामणि या कंठाभरण, कुंडल, नासाभरण, और हाथ में कंकड़, चूड़िया, कमर में करधनी, पैर में नूपुर, अंगूठियां, और भी नाना प्रकार के जो भी श्रृंगार होते हैं स्त्रियों के। विश्वकर्मा जी जो इंद्र के भाई हैं, द्वादश आदित्यों में एक हैं, वे लाए। हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले, और सरस्वती जी ने बहुत ही सुंदर हार दिया। यहां हार का तात्पर्य है रत्न का हार। सरस्वती जी ने हार दिया, हारम सरस्वती पद्मम अज, और ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कमल ला करके दिए हाथ में, नया कमल, क्योंकि लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण करती। आज के युग में भी आप देखते हैं किसी बड़े व्यक्ति को, खास करके नेताओं को, लोग फूल देते हैं हाथ में, माला नहीं पहनते हैं नेता लोग, माला पहनाइए तो तुरंत निकाल कर रख देते हैं, हाथ में फूल धारण करते हैं। फूल है, रखना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा गुलाब का फूल है अपने कोट में रखते थे, बहुत बड़ा बढ़िया फूल रखते थे। हमने बहुत निकट से उनको देखा था। तो इस तरह से अलग अलग रुचि है। लक्ष्मी जी धारण करती हैं हाथ में कमल, ये बात जानकारी थी ब्रह्मा जी को, इसलिए ब्रह्मा जी खूब सुंदर कमल ला करके दिए। अजह पद्मम सरस्वती हारम और कुंडले नागा, कर्णाभूषण ला करके दिए स्पेशल, स्पेयर समझिए। विश्वकर्मा जी तो सब दे ही चुके थे, लेकिन ऊपर से नाग लोक, नाग लोक से नाग वृंद आकर के दिए, देवता होते हैं, कुंडल दिए, कर्णाभरण। लक्ष्मी जी इस प्रकार वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित हुई। इसके बाद ततः कृत स्वस्तयनो पलस्वजं नद द्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुकपोल कुंडलं सब्रीण हासं दधति सुशोभनम। जब श्री जी ने वस्त्र और आभूषण सब कुछ धारण कर लिया, इसके बाद वे निकली। कुछ प्राइवेट भवन तत्काल बनाया गया होगा जिसमें उन्होंने श्रृंगार धारण किया, या सरस्वती आदि ने धारण कराया होगा, पुरुष का प्रवेश वहां नहीं था। फिर जब वे धारण कर चुकी वस्त्र और आभूषण, तब उनका स्वस्तैन किया गया। स्वस्तैन वाचन ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने किया कि तुम सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, यह रहो, सौभाग्यवती रहो, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। श्री जी के आशीर्वाद से सबको सौभाग्य मिलता है, उनको आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भक्ति के कारण ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और इसके बाद श्री जी की इच्छा समझकर श्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त किया। वो रूढ़ यौवना थी, ऐसा लग रहा था कि वे
अपने पति का संवरण करना चाहते हैं, पति को चुनना चाहते हैं, वरण करना चाहते हैं, तब उन्हें एक बहुत ही सुंदर माला दी गई। वो माला लेकर के अब पहनाने चले, जिसको अपना वर चुनेंगे उसके गले में वो वरमाला पहनाएंगे। तो बहुत सुंदर माला दी गई उनको, उत्पल स्रजम, उत्पल स्रजम, कमल की माला लेकर के चली। नदत द्विरे फाम, जिस माला पर भौरे नदत गुंजार कर रहे थे, उस माला के पुष्पों में इतनी सुगंध थी कि उस गंध से लुप्त होकर के भौरे उस माला पर मंडरा रहे थे, भन 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 गा रहे, हट नहीं रहे थे। ऐसी माला को लेकर चली, श्री जी दोनों हाथ से माला नहीं पकड़ी थी, परिग्रह पाणी ना, एक हाथ से माला पकड़ी थी। जानते हैं क्यों एक हाथ से माला क्यों पकड़ी थी? क्योंकि एक हाथ में वे कमल का फूल ली थी और लक्ष्मी जी का मुख है इतना सुंदर है और उनके मुख से इतनी सुंदर सुगंध निकलती है कि भौंरे उनके मुख पर भी मंडरा रहे थे, तो उनको वो दूसरे कमल से हटाती जाती थी, इसलिए एक हाथ से माला पकड़ी थी। भौंरे तो मानेंगे नहीं, वे उस सुगंध से लुप्त होकर के लक्ष्मी जी पर बैठना चाहते थे। एक हाथ से माला लेकर चल रही थी, एक से भौंरों को, भ्रमरों को दूरीभूत कर रही थी। चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम, तो चलने लगी माला लेकर के, उनका मुख परम सुंदर है। श्रील सुखदेव गोस्वामी माता श्री का ध्यान कर रहे हैं, ये तो विरक्त चूड़ा मणि एक स्त्री का क्यों चिंतन करेगा, तो लक्ष्मी जी के कपोल का चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन ही नहीं कर रहे हैं, भरी सभा में वर्णन कर रहे हैं। सुकपोल कुंडलम, श्री का कपोल सुंदर है, कुंडल बहुत सुंदर है, सब्रीड हासम, और उनके मुख पर मंद स्मित है, मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान पर, हंसी पर व्रीड़ा का अंकुश, मुस्कुरा रही हैं लेकिन लज्जा से युक्त मुस्कुराहट, यही स्त्रियों की शोभा है। हंसी पर लज्जा का अंकुश होना चाहिए, तो सब्रीड हासम, ऐसा सुंदर मुख है, सुंदर ऐसे मुख के साथ वे घूमने लगी। लगता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी अब देवताओं की ही सभा में बैठ करके देखना चालू किए, वे भूल गए होंगे कि हम गंगा जी के तट पर बैठे, जहां श्री जी अपने वर को का वरण करने के लिए चली, तो परम भागवत सुखदेव गोस्वामी मन ही मन बैठ गए गंगा जी के वो क्षीर सागर के तट पर, और देख रहे हैं कि ऐसी ऐसा कपोल है, ऐसा मुख है। अब इसके द्वारा श्री जी के समग्र सौंदर्य की कथा पूरी हो गई, समझ लेना चाहिए। भगवान की पत्नी है, जगत जननी है, इस भाव से सुखदेव गोस्वामी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। मुख का वर्णन करके नीचे देख रहे हैं, स्तन द्वयम् चाति कृष दरिशमम् निरंतरम चंदन कुंकुम अक्षितम ततस्ततो नूपुरबल्गु सिंजितैर विसर्पति हेमलतेव बाला बभौ हेमलतेव सा बभौ। लक्ष्मी जी जब हाथ में माला लेकर के चल रही थी, तो ऐसी सुंदरता उनकी हो रही थी कि लगता था कि हेमलता चल रही है, स्वर्ण लता। एक तो सोने की लता नहीं हो सकती है, अद्भुत उपमा अलंकार दे रहे हैं, एक तो सोने की लता नहीं होती है, एक असंभव ये बात है, और दूसरा मान लीजिए सोने की लता अगर उग भी जाए तो चलेगी नहीं,
वो तो अचल रहती है, वृक्ष और लता अचल रहते हैं। पर श्री जी का वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा लगता था कि सोने की लता चल रही है, स्वर्ण लता, हेमलता। ऊपर जो शब्द आ गया है दधति, तो वह उसी शब्द के साथ जुड़ेगा स्तन द्वयम चाहते कृषोदरी समन। श्री जी का उदर कृष था, उदर मध्य भाग सुमध्यमा, कमर कटी प्रदेश क्षीण है, और स्तन द्वयम समम, समम का अर्थ है सुंदर संस्कृत में, दोनों स्तन बड़े सुंदर हैं और निरंतरम सटे हुए परस्पर, और चंदन और कुमकुम का लेप किया हुआ है स्तन पर, चंदन कुमकुमोक्षितम। इतना निकट से ध्यान कर रहे हैं, यही है सुखदेव गोस्वामी के कथा की विशेषता। जैसे भगवान के अंगों का ध्यान किया जाता है, वैसे श्री जी का ध्यान कर रहे हैं भगवान की प्रिया के रूप में जान करके। तो श्री जी के जुगल स्तन पर चंदन और केसर का लेप किया गया है, ये इसको सिख नख वर्णन कहते हैं, कभी कभी नख सिख वर्णन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी श्री जी के मुख से चालू किए हैं ऊपर से और चरण में आ रहे हैं, तो कृषोदरी और स्तन द्वय और ततस्ततो नुपुर वल्ग सिंजित, एकाएक उतर आए चरण, चरण से चल रही हैं इतस्तत, वो खोज रही हैं उस सभा में बैठे हुए लोगों को। सब लोग जुट गए थे, देवता दानव सभी, और उसमें से वर का चुनाव करना है बहुत महत्वपूर्ण है। उस सभा में कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं था जो संसार का सबसे श्रेष्ठ स्टैंडर्ड का व्यक्ति हो और न आया। तो श्री जी सब देख रही थी, देख रहे थे, तो क्योंकि चलने का वर्णन करते हैं ततस ततो नूपुर वल्ग सिंजित, श्री जी के नूपुर का सिंजन गुंजन बहुत बल्गु हो रहा था। बल्गु का अर्थ है मनोहर, बहुत सुंदर आवाज निकल रही थी विसरपति, और वो चल रही थी। कहीं कहीं श्री जी तेज गति से चलती थी, कहीं मंद गति से चलती थी, उनके नूपुर की ध्वनि बहुत सुंदर लग रही थी, इधर उधर चल रही थी। क्यों चल रही थी ये प्रश्न होगा, मान लीजिए महाराज परीक्षित प्रश्न करेंगे क्यों चल रही थी सभा में, तो विलोकयन्ति निर्वद्यमात्मनः पदम ध्रुवम च व्यभिचारी सद्गुणम, वे आत्मनः पदम विलोकयन्ति, अपना आश्रय ढूंढ रही थी। यहां पदम का अर्थ पति रूपम, श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अपने पति को खोज रहे थे। उनके पति तो वहां थे ही अजित भगवान, उनको और किसी को नहीं चुनना था, वो तो अजित की नित्य प्रिया है और अजित के ही गले में वरमाला डालनी है उनको। लेकिन वरमाला डालने के पहले वे जगत को दिखाना चाहते हैं कि और कोई भी लक्ष्मी के योग्य नहीं है, सब बेकार है, किसी में कोई गुण नहीं। किसी किसी में मान लीजिए 100 में एक गुण है 1%, तो 99% दोष भरे पड़े हैं। एक तो गुण नहीं है, हाय भी तो बहुत थोड़ा, दोष ज्यादा है। भगवान ऐसे हैं कि जिनमें रत्ती भर भी कोई दोष नहीं है और समस्त कल्याण गुण भरे पड़े हैं भगवान, सब केवल गुणों के सागर, दोष नहीं है भगवान। ये लक्ष्मी जी के उद्गार शाम के सीटिंग में आएगा, उस समय इसकी व्याख्या की जाएगी। और मैं कुछ जान बुझ करके मंद गति से चला, क्योंकि लक्ष्मी जी का वर परीक्षण ये 3 श्लोक है, उसको मैं शाम की कथा में कहना चाहता था, इसलिए धीरे धीरे चल रहा था कि वो ना आ जाए नहीं तो उसको मैं इतना जल्दी पूरा नहीं कर सकता था।
दिखाना है, छांटना है भगवान क्या है और क्या कोई है, और में क्या गुण है क्या दोष है। जब तक किसी की विशेषता को हम नहीं जानेंगे तो कैसे समर्पण करेंगे। कहा जाता, सभी शास्त्र कहते हैं कि विष्णु आराध्य हैं, कृष्ण आराध्य हैं, भगवान आराध्य हैं, तो कृष्ण को ठीक से जानेंगे तब तो समर्पण करेंगे। जनता को ज्ञान है ही नहीं, तो अपने से नहीं ज्ञान है, लेकिन लक्ष्मी जी के आचरण से, लक्ष्मी जी के विश्लेषण से समझ लेना चाहिए कि जब इतनी विदुषी, इतनी महान महिला, जब भगवान को अपना सब कुछ चुनी है तो हम क्यों दूसरे को चुने। अंततः आश्रय तो चुनना ही पड़ेगा सबको, इस संसार में जीव अनाश्रित है, तो किसी न किसी को अपना वो इष्ट देव मानता है, किसी न किसी को अपना गुरु मानता है, आश्रय चुनना चाहता है जीव। तो सर्वोच्च आश्रय सब तरह से ठीक भगवान विष्णु है, लक्ष्मी जी ने करके दिखाया है। तो विलोकयंती निर्वध्यमात्मनः पदम ध्रुवम, आत्मनः पदम विलोकयंती, अपना पति रूप आश्रय खोज रहे थे। लगता था कि लक्ष्मी जी ऐसा भाव व्यक्त कर रहे थे कि मैं एक अविवाहिता कन्या हूं और मुझे पति के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं किसको समर्पण करूं, कौन सर्वगुण मंडित है, किसके साथ रहूं मैं। इसलिए विलोकयंती, विशेष रूप से विचार कर रहे थे, देख रहे थे, और भगवान के अलावा जिसको भी देख रही थी तो उसके हजारों दुर्गुण ही सामने उभर आते थे। तो किसी किसी में एक दो गुण था, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें गुण तो बहुत था लेकिन एकाध दोष ऐसा है कि लक्ष्मी जी उधर से मुख फेर ली। अंत में बताया गया है कि लास्ट लाइन में भगवान शिव थे, लाइन में नहीं थे, मैं गलती बोल दिया, लक्ष्मी जी तीनों काल में जितने भी पुरुष हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं, होंगे, हैं, सब पर विचार करने लगी। उस स्वयंवर के बहाने उन्होंने सबका विश्लेषण किया, यद्यपि भगवान शिव वहां नहीं थे लेकिन उन पर भी विचार कर रही हैं कि हाँ ये तो इनमें तो गुण है लेकिन इनमें बड़ा अमंगल वेशभूषा है, श्मशान में रहते हैं, तो जहां मुर्दा रहते हैं, मुर्दा जलाए जाते हैं, वहां पर क्या कोई स्त्री रहेगी, चाहे कितने भगवान ही हो तो क्या ये कोई रहने की जगह है। लक्ष्मी जी ने उनको भी कहा नहीं, ये है इनमें बहुत गुण है लेकिन श्मशान वास और अमंगल वेशभूषा धारण किए हैं तो इनको मैं समर्पण नहीं कर सकती। अंत में दोष निकालते निकालते वो देखी कि भगवान अजित सामने थे तो वो लोग वो लक्ष्मी जी की ओर नहीं देख रहे थे और सब लोग लक्ष्मी जी की ओर देख रहे थे, उस सभा में बैठे हुए सब में दोष निकाल रहे थे तो अजित में भी दोष निकाल दी। कहते हैं ये पुरुष तो सब तरह से परिपूर्ण है लेकिन इनमें एक दोष ये है कि ये हमको चाहते ही नहीं है। ये परिपूर्ण है कहने वाले, इनको कोई आकांक्षा नहीं, और भगवान को क्या जरूरत है कि कोई स्त्री रहे उनके पास तब सुखी होंगे, भगवान इतना अधूरा नहीं। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि जब सब में दोष निकाल रही थी तो भगवान में भी दोष ही निकाली। लेकिन वो दोष ये था कि भगवान निरपेक्ष है, लोलुप नहीं, सब तरह से परिपूर्ण है, अखंड आनंद से परिपूर्ण है भगवान। किस में क्या क्या दोष है, क्या क्या गुण है, बड़े विस्तार से लक्ष्मी ने बताया है। तो क्या आश्रय चाह रही थी, पहली बात करें निर्वध्यम, अवध्य का अर्थ होता है दोष, निर्वध्य का अर्थ है निर्दोष, निर्दोष पति चाह रही थी। दोष क्या है, दोष है असमय में मर जाना, ज्ञान न होना, धर्म में निष्ठ न होना, और जो भी सुंदरता है, बल है, ज्ञान है वो सदा न रहना, ये सब दोष है। निर्वध्य पति चाहती थी, ऐसा पति जो कभी मरे नहीं। पहला तो मर जाना ये पहला दोष है,
मीराबाई ने एक पद में कहा है कि क्या दुनिया में दूसरे को वरण करना है, वरण करूंगी गोपाल को कि मेरा सुहाग अमर हो जाए, वो कभी मरने वाले नहीं, जन्म मृत्यु से शून्य। तो और संसार में सब में दोष, अनेक दोष, वो दोष से आएंगे समय समय पर बताया जाएगा। तो निर्दोष पति चाहती थी। और ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ नित्य, जो नित्य रहे। और अव्यभिचारी सद्गुणम, जिसमें सद्गुण हो और वे सारे सद्गुण अच्छे गुण अव्यभिचारी हो, अर्थात यदि वह युवक है तो युवक ही रहे, ज्ञानी है तो ज्ञानी ही रहे, सुंदर है तो सुंदरता कभी विपरिणत न हो, कभी सौंदर्य समाप्त न हो, दयालु है तो उसकी दया कभी समाप्त न हो। तो जब गुण बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे किशोर अवस्था में आया हुआ लड़का एक दिन बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा एक दिन राख हो जाता है, भस्म हो जाता है, ज्ञानी की एक दिन बुद्धि फेल हो जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि लास्ट में बुढ़ापा में सब खत्म हो जाती है, चलते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, अलमीरा खोलते हैं कि कोई चीज लेना है, तो बाहर याद था कि ये चीज लेना है, अलमीरा खोले तो याद ही नहीं आया कि क्या लेना है, वो सोचने लगे क्यों खोला था। तो इसको व्यभिचारी गुण कहते हैं। गुण है स्मरण शक्ति, लेकिन वो स्मरण शक्ति काल द्वारा बाधित हो जाती है, इसको व्यभिचार कहते। कोई भी धन है तो आज धन है कल नष्ट हो जाए तो इसको कहेंगे व्यभिचारी धन है, धन है तो सदा रहे, अव्यभिचारी गुण। कोई भी सुंदरता, बल, स्मरण शक्ति, धन, कंट्रोलिंग पावर, कुछ भी है, दया, जस, सब कुछ एक समान रहे, उसको अव्यभिचारी सद्गुणम कहते। तो श्री जी ऐसा पति चाहती है जिसके गुण कभी फीके न हो, कभी धूमिल न हो, और जो नित्य रहे और निर्दोष, यह सोच करके वे गंधर्व, सिद्ध, असुर, जक्ष, चारण और त्रैविष्टप देवता आदि पर विचार करने लगे। जो वहां थे उनको तो देख करके विचार कर ही रही थी, जो नहीं थे और हो चुके, पहले मर चुके थे, उन पर ही विचार कर रही थी। जैसा टीका में श्रीधर स्वामी जी यहां पर उल्लेख करेंगे, जैसे एक घटना में श्री जी कहती हैं कि कुछ लोगों में सील मंगल है, सील का अर्थ होता है मृदुता, स्त्री से प्रेम करना है और स्त्री की मांग को पूरा करना, कुछ लोगों में यह है, जैसे हिरण्यकश्यपु में, रावण में उदाहरण देते हैं श्रीधर स्वामी जी, लेकिन उनके आयु का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मर जाएंगे। भगवत द्वेषेण अकस्माकम मृत्युर्भवति, मरणम भवति। हिरण्यकश्यपु इतना सफल व्यक्ति था, गुण था उसमें, वो अपनी स्त्री से प्रेम करता था, सब करता था, शील था, मंगल था, लेकिन क्षण भर में नृसिंहदेव द्वारा मार दिया गया। तो सब गुण रहकर क्या करेगा बताइए, जिसके आयु का ही कोई पता नहीं कितना दिन जिएगा। प्रहलाद महाराज से द्वेष किया और भगवान ने तत्काल समाप्त कर दिए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी हिरण्यकश्यपु का भी उदाहरण दिए इसमें। तो पूर्व काल में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, भविष्यत में होंगे या थे उस समय, सब पर विचार कर रही हैं, नहीं इसमें गुण नहीं है, इसमें गुण नहीं है, ये योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। सर्व दोष विवर्जित, सर्व गुण मंडित भगवान मिले श्री जी को। लेकिन वहां जाकर श्री जी खड़ी हो गई भगवान के पास और अपने वास स्थान वक्षस्थल पर देखने लगी, ऐसा लिखा गया है। वक्षस्थल पर देख रही थी तो भगवान थोड़ा लंबे पड़ रहे थे लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी उनको वनमाला पहनाना चाहती थी, वरमाला,
तो भगवान थोड़ा झुके और लक्ष्मी जी ने वरमाला पहना है। यह कथा शाम के सिटिंग में आएगी। इसको श्री स्वयंवर कहते हैं इस कथा को। और इस अवसर पर बहुत तो उत्सव करना चाहिए, गान बजान सब कुछ, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके गीत गाना, प्रसाद बांटना, लुटाना, ये सब करना चाहिए। हम लोग शाम को सुनेंगे लक्ष्मी जी किस प्रकार विश्लेषण कर रही हैं सबका। हरे कृष्ण।